नमस्कार दोस्तों, मैं अलोक स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अलोकजी में। दोस्तों, अगर मैं चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस डेली चैनल पे लेकिन अलग वीडियो लेके इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं दोस्तों कि मैं किस वहाँ पे वो लैंग्वेज में वीडियो बनाऊँ तो अच्छा वीडियो वायरल होगा, प्लस ज़्यादा वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मैं इसके बारे में पूरा आपको बताने वाला हूँ अपने खुद से एक्सपीरियंस से। आपको वीडियो स्टार्टिंग के लिए लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप करके नहीं जाना है, ताकि आपको समझ में आ जाए जो मैं बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे वीडियो को हमारे लाइक कर देना है, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग करना है दोस्तों, ताकि सब लोग को पता चल जाए दोस्तों कि किस लैंग्वेज में बेटर वीडियो होती है, अगर आप ज़्यादा वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो इस सब के बारे में। तो चलिए आपको बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात अपने खुद से एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि यहाँ तो क्या क्या आपको कौन से लैंग्वेज में वीडियो बनाए तो ज़्यादा वायरल होने के चांसेस हैं, प्लस ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं प्लस। तो ये आपको ध्यान में सबसे पहले आप ही को डिसाइड करना है कि आप हो कहाँ से, मतलब हो कहाँ से मेरा मतलब कि आप किस रीजन से हो आप इंडिया में, जैसे कि नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्थ सेंट्रल रीजन है, साउथ रीजन है, ईस्ट वेस्ट, ऐसे काफ़ी सारे क्षेत्र हैं जो किन क्षेत्र से, किन सिटी से आप में बिलोंग करते हो इंडिया से हो। तो ये आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है। अगर दोस्तों आप वहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया से हो, उत्तर भारतीय हो, तो आप नो डाउट आप हिंदी में वीडियो बनाओगे। अगर आप दक्षिण से हो तो आप वहाँ पे तमिल, कन्नड़ और रीजनल लैंग्वेज जो भी हैं उनमें प्लस इंग्लिश में वीडियो बना सकते हो। उन लोग को हिंदी में ज़्यादा नॉलेज आप लोग को नहीं होती है, तो इन सब को आप ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको यही डिसाइड कर लेना है आप किस रीजन से, आप किस लैंग्वेज में आप हो और किस लैंग्वेज में आपको कमांड है। सबसे नंबर वन बात यही है, ऐसी लैंग्वेज में वीडियो बनानी है जिसमें आप फ्रेंकली बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश में वीडियो अच्छी मैं बना सकता हूँ लेकिन मुझे इंग्लिश अच्छी बोलनी नहीं आती। मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, इंग्लिश में वीडियो बनाऊँगा लेकिन मैं बोलना ही नहीं आता उतना अच्छा, हिंदी अच्छी आती है हिंदी में बनाना ही चाहते हो, तो ऐसा नहीं। आपको वही वीडियो बनानी है उसी लैंग्वेज में जिसमें आपको कमांड हो, यही मेन नीस है। जिस लैंग्वेज में आपको कमांड हो उसी में आप वीडियो बनाइए। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि आपको किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, पैसा किस लैंग्वेज में ज़्यादा मिलता है। लिख के मैं आपको दे सकता हूँ, मैं खुद से एक्सपीरियंस से मैं उसको फेस कर रहा हूँ। तो अगर आप दोस्तों मेक वीडियो फॉर ग्लोबल कम्युनिटी, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए वीडियो बनाते हो, इंग्लिश में वीडियो बनाते हो, समझ सकते हैं आप, तो आपके रेवेन्यू जो है ज़्यादा जनरेट होगा, ज़्यादा डॉलर मिलेगा, ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश में वीडियो बनाने के चांसेस ये हैं कि आपकी वीडियो को यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में भी देखा जाएगा। और इन सब देशों में अगर आपकी वीडियो चल रही है तो समझ लीजिए आपकी कमाई तगड़ी होने वाली है, आपके डॉलर अच्छे खासे बनने वाले हैं, क्योंकि इन देशों में CPC और CPM जो होता है यूट्यूब का वो काफ़ी हाई होता है। इन देशों में एड्स के पीछे ज़्यादा खर्च किए जाते हैं एज़ कम्पेरिजन टू इंडिया। तो आपको वही ध्यान में रखना है कि आपको जिस लैंग्वेज में कमांड हो, कन्नड़, तमिल, तेलुगू, हिंदी और रीजनल मराठी, गुजराती, जिसमें आपको अच्छा बोलना आता हो उसी लैंग्वेज में आप वीडियो बनाइए, जिसमें आप अच्छा समझा सकते हो अपनी ऑडियंस को, उसी लैंग्वेज में वीडियो बनाइए। प्लस इंग्लिश में वीडियो बनाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में वीडियो बनाएंगे तो इंडिया में भी और सब देशों में भी आपके वीडियो देखे जाएंगे, और उन देशों में देखे जाएंगे जहाँ पे दोस्तों पैसा आपका ज़्यादा बनता है। हिंदी में बनाएंगे तो उतना ज़्यादा पैसा दोस्तों नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदी बोलने वाले जो क्षेत्र हैं उसमें एड्स पे कम पैसा खर्च होता है, तो इससे कमाई भी काफ़ी निम्न तरीके से होती है, सूक्ष्म तरीके से कम होती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि किस वीडियो में वीडियो बनानी चाहिए, किस लैंग्वेज में वीडियो बनानी चाहिए, किस में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करें, और मैं इस चैनल पर नए आए हूँ तो हमारे आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो तक सबसे पहले पहुँचा करें। मैं मिलता हूँ अब अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।